हेलो वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला हम लोगों का आज सिक्स लेक्चर है आरसीसी पे और हम जो लास्ट टाइम डी स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे वर्केबिलिटी तो आपको पता है वर्केबिलिट वर्केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी हम लोग स्टडी करते हैं बट इसको हम लोग आर में ही कंसिडर कर ले रहे हैं क्योंकि जब आप आई एस फोर को देखेंगे जो उसमें सेक्शन टू है उसमें सारा कॉन्क्रीट के ही बारे में डिटेल्ड बताया है और यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आर में बहुत ज़्यादा होती है ठीक है ना तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्केबिलिटी को बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं हम लोगों ने पहले समझा था कि व्हाट इज़ द वर्केबिलिटी एंड विच मेथड्स आर यूज टू फाइंड ऑफ वर्केबिलिटी कौन कौन से मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं वर्केबिलिटी फाइंड करने में यूज़ करते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वीवी टेस्ट होता है हमारे पास सेकेंड नंबर पे कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट था थर्ड नंबर पे हमने स्लम टेस्ट पढ़ा था और फोर्थ नंबर पर था डी एस डूडेंट्स वो हमारे पास क्या था बताओ क्या था उसको हम लोग बोल रहे थे फ्लोर टेबल टेस्ट और एक था कैलीबॉल uh, टेस्ट था जो भी किसके लिए आता है वर्केबिलिटी फाइंड करने के काम में आता है आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा हम लोग यहाँ पे जब पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद में अप्रॉक्सीमेट मोर देन फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वर्केबिलिटी के सॉल्व करेंगे जो वेरियस वेरियस एग्जाम में हमारे को पूछे गए हैं ठीक है ना तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्लो टेबल टेस्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ठीक है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर होता है वो हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लम टेस्ट परंतु जैसे ही फ्लो टेबल टेस्ट की बात आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है पहली बात तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है इसको हमने किस डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है जैसे हमने डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी का मतलब था वेरी लो वर्केबिलिटी लो वर्केबिलिटी मीडियम वर्केबिलिटी हाई वर्केबिलिटी एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी तो आपने स्टूडेंट्स ध्यान रखना है फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज फॉर हाई वर्केबिलिटी टू वेरी हाई वर्केबिलिटी क्लियर हो गया पॉइंट हाई वर्केबिलिटी टू वेरी हाई वर्केबिलिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो टेबल टेस्ट सूटेबल फॉर हाई वर्केबिलिटी अब इसमें हम लोग पहले एपरेटस को समझना चाहते हैं डी स्टूडेंट्स अगर आपको एपरेटस समझ में आ गया तो फिर हमारे को, को ये बिल्कुल सिंपल सा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्लो टेबल टेस्ट का मतलब किससे है फ्लो टेबल टेस्ट का मतलब है कि एक हमारे पास टेबल है और उस टेबल पे जो कंक्रीट है वो किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है ठीक है ना टेबल पे कंक्रीट किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है उस रिस्पेक्ट में हम लोग उसकी वैल्यू को देखते हैं अब आप खुद सोचो अगर आपने कंक्रीट में बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर रखा है तो कंक्रीट जो जितने एरिया को क्या करेगा जो एरिया में फैलेगा वो क्या होगा एरिया ज़्यादा होगा अगर कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो क्या है कम है तो वो कम एरिया में क्या करेगा फैलेगा स्प्रेड करेगा या सो नो तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाई वर्केबिलिटी हाई वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है ज़्यादा मतलब वाटर सीमेंट रेशियो हमने कंसीडर कर रखा है या सो नो तो देखिए हमारे पास एक टेबल है आपको ये दिख रहा होगा एक तो हमारे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का या फिर हमारे पास इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं इसको जैसे हमारे पास कोई भी एक टेबल है इस तरीके का ये हमारे पास डीएसटेंस क्या एक है एक टेबल है ठीक है हम लोग यहां पे देख रहे हैं इस चीज को एक मिनट इस तरीके का है अब आप समझने की कोशिश कीजिए ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये जो हम लोग यहाँ पे जो टेबल देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स ये टेबल हमारे पास हो गया ये वाला टेबल ठीक है ना ये जो टेबल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल हो गया हमारे पास ये वाला टेबल आप इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे क्या है एक सर्कल है इस तरीके का क्या डीएसटेंस सर्कल है एक इस तरीके का एक्सेस है और एक हमारे पास ये वाला एक्सेस है ठीक है इस तरीके का है तो सेम हम लोग देख रहे हैं अब आप कहेंगे सर ये क्या है वट इज दिस देखिए आप इसके ऊपर इस वाले फिगर को समझने की कोशिश कीजिए जस्ट इसके ऊपर जो पिक्चर दे रखा है हमारे को ये वाला जो पिक्चर दे रखा है इसमें हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है एक फ्रस्टम कौन है क्या सुनना क्या हमारे पास एक फ्रश्रम कौन है इस कौन को हमने कहाँ पे प्लेस करना होता है हमने इस कौन को यहाँ पे रखना होता है क्लियर हो गया पॉइंट हमने इसको कहां पे रखना है इसको हमने यहां पे रखना है जो आप ये देख पा रहे हैं इसको हमने कहां पे प्लेस करना है यहां पे रखना है सेंटर में ठीक है ना सेंटर में ओके okay. हमने यहां पे रख दिया अब इसको हमारे को डायमेंशन गिवन कर रखा है कोड में कोड क्या कहता है कि देखिए कि जो आप यूज कर रहे हैं ये तो क्या है टॉप टॉप सेक्शन टॉप सेक्शन ये जो है हमारे पास ठीक है ना इसको थोड़ा सा हम लोग रख कर देते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ओके ठीक है थोड़ा सा बस इतना समझ लीजिए ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन है हमारे पास 17 सेंटीमीटर और जो आउटर टू आउटर डायमेंशन है डिस्टेंस ये आउटर टू आउटर जो डायमेंशन है ये हमारे पास कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस 25 फाइव सेंटीमीटर आउटर टू आउटर जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आप खुद सोचिए अगर जब मैं ये जो पेन है अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे इसका प्रोजेक्शन कैसे दिखाई देगा एक सर्कल जैसा दिखाई देगा यह सो नो सेम एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे क्या एक फ्रस्टम कौन है जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो आपको एक अंदर लाइन दिखाई देगा और एक आउटर पे लाइन दिखाई देगा yes no? as well as, तो यह सो नो सेम एज वेल एज तो ये हमारे पास है इसको हमने कहाँ पर रखना है इसको हमने सेंटर पे पर मतलब रखना है कहाँ रखना डी स्टेंस इसको हमने सेंटर पे रखना है जो हमारे पास टेबल का जो सेंटर है वहाँ पे हमने इसको क्या करना होता है रखना होता है ओके अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद हमने क्या करना होता है कंक्रीट को इसमें फिल करना होता है क्या करना होता है कंक्रीट को इसमें हमने फिल करना है जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग इसमें क्या कर देते हैं कॉन्क्रीट को फिल करते हैं जैसे कि हम क्या करते हैं कॉन्क्रीट को फिल करते हैं जैसे हमने ये इसमें क्या कर दिया कॉन्क्रीट को फिल कर दिया ठीक है कॉन्क्रीट को फिल कर देते हैं ओके और वही सेम प्रोसेस होता है कि इसको कॉन्क्रीट को फ़िल करने में कितनी लेयर्स लेनी पड़ती है हमारे को थ्री लेयर्स लेनी होती हैं हर लेयर पे कितने ब्लोज होते हैं ट्वेंटी फाइव ब्लाउज होते हैं यस और नो और उसको फिनिशिंग करके जो एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट ऊपर से प्ले इस पर टेबल पे, पे गिरता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं वहाँ से अब हमने क्या करना है जो हमारा एक कौन है इसको हम लोग धीरे से क्या करते हैं उठा लेते हैं मतलब धीरे से वहाँ से हटा देते हैं तो जो कॉन्क्रीट इसके अंदर फिल है वो किस पे आ गई अब टेबल पे आ गई यह yes सुनो no? अब जो कॉन्क्रीट है वो किस पर है टेबल पर अब इसके बाद क्या होगा अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमारे को क्या बना के रखा है एक हैंडल बना के रखा डेस्टिल क्या है हमारे पास ये ये हमारे पास एक हैंडल है इस तरीके का यह yes सुनो no? ये हैंडल है अब मैं इस हैंडल को इस तरीके से पकड़ूंगा और इस तरीके से ऊपर लेके जाऊंगा फिर नीचे लाऊंगा अब आप कहेंगे सर कितना ऊपर लेके जाना है तो कोड कहता है हमारे पास आई एस वन वन नाइन नाइन कि आप ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम इसको क्या करेंगे ऊपर लेकर के जाएंगे कि सर मैं कितनी बार लेकर के जाऊँगा कि मैं कहूँगा कि आपको फिफ्टीन टाइम्स इसको बार बार लेकर के जाना है वन टू थ्री फोर इस तरीके से फिफ्टीन टाइम्स लेके जाना है सर कितने टाइम में ले के जाना है पंद्रह सेकंड में ले के जाना है यस सर नो कितने हाइट के जो हमारे पास क्या है सपोज़ आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए ये हमारा कोड है आई एस फोर फाइव सिक्स सपोज़ ये हमारी टेबल है और इस टेबल में यहाँ पे हुक है तो मैं इसको क्या करूँगा इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कितने टाइम्स में डी 15 पंद्रह मिनट में सॉरी सिक्सटीन नहीं फिफ्टीन पंद्रह मिनट में सॉरी पंद्रह सेकंड में फिफ्टीन सेकंड में फिफ्टीन टाइम्स मैंने इसको क्या करना है एक तरीके से झटके देने हैं अब आप खुद बताइए अगर यहाँ पे आपके पास एक ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जो जिसमें क्या है वाटर एडेड है ठीक है अब जैसे ही हम लोग इसको झटका देंगे तो क्या होगा वो जो कंक्रीट है वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा डिस्टेंस स्प्रेड करने लगेगा फैलने लगेगा ये सर नो समझ में आया ना ये बात तो यही पॉइंट हमारे को क्या रखना है याद रखना है कि जो भी है हमारे जो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से नेक्स्ट थ्योरी तो बिल्कुल सिंपल है प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा बात बन जाएगी अब हमने क्या करना है मान लेते हैं कि जो कंक्रीट है वो कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर जाता है इस पर इस तरीके से स्प्रेड कर गया पहले कॉन्क्रीट कौन सा था ये वाला था आफ्टर फिफ्टीन ठीक है ना आफ्टर फिफ्टीन टाइम्स जो हम लोग इसको क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं टेबल को तो उसके बाद कॉन्क्रीट ने इस तरीके का एक सेप गेन किया है अब हम लोग क्या कहते कोड क्या कहता है हमसे कि आपने सिक्स डाया लेने सिक्स डाया अब डाया मीटर कहाँ से होगा जो इस सेंटर से पास करेगा सपोज एक डाया हो गया हमारे पास ये वाला ठीक है ना ऐसे समझिए एक ये हमारे पास एक डाया हो गया फर्स्ट सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड हमारे पास है कुछ इस तरीके का ये सेकेंड डायमीटर हो गया थर्ड देखते हैं हम लोग ये हमारे पास डीएसटेंस क्या हो गया थर्ड डायमीटर हो गया ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्या हो गया डी एस्टेंस फोर्थ डायमीटर हो गया कौन सा डायमीटर हो गया फोर्थ डायमीटर हो गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएसटेंस ये सपोज हमारे पास कौन सा हो गया फिफ्थ डायमीटर हो गया कौन सा डायमीटर हो गया फिफ्थ और लास्ट हम लोग देखते हैं डी एस यहाँ पे ये ये हमारे पास है आ, ये हम लोगों ने देख लिया लास्ट डायमीटर यहाँ पे आ, ये हमारे पास हो गया लास्ट डायमीटर कोड कहता है कि आपने सिक्स डायमीटर्स कंसीडर करने कितने डायमीटर्स कंसीडर करने सिक्स डायमीटर कंसीडर करने हैं अब आपने सिक्स डायमीटर सर मैं कहाँ कहाँ पे करूँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये डायमीटर सबसे ज़्यादा हो सकता है आपने वो छह जगह से क्या करना है डायमीटर्स को कंसिडर करना है देन आपने क्या करना है डाया एवरेज फाइंड करना है क्या करना है एवरेज डाया फाइंड करना है तो आप एवरेज डाया कैसे फाइंड करेंगे डी एस देखिए यहाँ पे एवरेज डाया का मतलब डी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर दीजिए तो कितने डायमीटर्स थे सिक्स डायमीटर्स थे वहां पे आपको पता चल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एवरेज यस और नो? अगर आपको डी एवरेज क्लियर है तो इसके बाद में हम हमारे को क्या दे रखा है फॉर्मूला कोड क्या कहता है अब कोड की बात सुन लेते हैं कोड ने क्या बोला है द मोल्ड सेल बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द कॉन्क्रीट बाई ए स्टडी अपवर्ड पुल जैसे हम लोग कॉन्क्रीट को फिल करते हैं और उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं उस कॉन को हटा देते हैं ओके द टेबल सेल सेल देन बी रेस्ड एंड ड्रॉप टेबल को क्या करना है उठाना है और ड्रॉप करना है किस हाइट से 12.5 पॉइंट 12.5 mm एम 12 mm हाइट से क्या करना है ड्रॉप करना है 15 टाइम्स इन अबाउट 15 सेकेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा डी एसडेंट्स फ्लो टेबल टेस्ट में आपको थ्री टू फोर पॉइंट्स को ही क्या रखना है याद रखना है वो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा द डायमीटर ऑफ द स्प्रेड कंक्रीट सेल बी द एवरेज ऑफ सिक्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कैलिपर मेजरमेंट रीड टू नियरेस्ट द फाइव एम एम फाइव एम एम के नियरेस्ट में होना चाहिए और जो हमारे पास फ्लो परसेंटेज है फ्लो परसेंटेज इक्वल टू किसके होता है डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको अपने इसमें लिख ले रहे हैं फॉर्मूला फ्लो परसेंटेज जो होता है हमारे पास फ्लो परसेंटेज ये हमारे पास किसके ये हो जाएगा स्प्रेड स्प्रेड डाया माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा हंड्रेड के जब भी आपको कोई क्वांटिटी परसेंटेज में चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं और नो अब आपको ये क्लियर हो गया कि फ्लो परसेंटेज किस तरीके से फाइंड किया जाता है फ्लो परसेंटेज इक्वल टू स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी हंड्रेड अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि व्हाट इज द ट्वेंटी फाइव जो ये ट्वेंटी फाइव है ये क्या है सर मेरे को तो नहीं पता चल रहा है ओके हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए जो आपने मोल्ड देख रहे हैं ये जो मोल्ड है इसकी डायमेंशन डीएसटेंस आपको याद रखना है इसकी जो डायमेंशन जो बॉटम डाया है वो कितना हमारे पास ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है कितना डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो क्लियर हो गया एक्चुअल में ये जो डायामीटर है अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं कि ये जो डायामीटर है सिर्फ इतना डायामीटर देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक का ये जो डायामीटर है ये डायामीटर कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है कितना है डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है अब आपने ध्यान देना है कि जो ये मोल्ड है हमारे पास ये मोल्ड ये मोल्ड ये सब एक ही है इसकी हमको यहाँ पे डायमेंशन गिवन कर रखी हैं ये डायमेंशंस क्या है टॉप डाया कितना है कितना बोलिए सेवनटीन सेंटीमीटर बॉटम डाया कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और हाइट कितना हमारे पास डिस्टेंस ट्वेल्व सेंटीमीटर अगर आप स्लम कॉन के एपरेटस को देखेंगे स्लम स्लमकॉन का जो एपरेटस होता है वो हमारे पास क्या होता है डी स्लम स्लमकॉन का एपरेटस कुछ इस तरीके से आपने देखा था क्या देखा था आपने इस तरीके से देखा था से उसकी डाइमेंशंस क्या थी डिफरेंट थी यस सो नो ये उसका हाइट कितना होता है डिस्टेंस हाइट होता है हमारे पास थर्टी सेंटीमीटर बॉटम कितना होता था डिस्टेंस ट्वेंटी सेंटीमीटर और जो हमारे पास टॉप डाया होता था ये कितना होता था डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर होता था ये हम लोग जनरली किसके यूज़ में करते हैं ये हम लोग कंपैक्टिंग सॉरी स्लम्प टेस्ट में करते हैं या फिर वी में जो हम लोग क्या करते हैं स्लम कौन का यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए करते हैं बट इन केस ऑफ फ्लो टेबल में इसकी डायमेंशन क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं टॉप इज सेवेंटीन सेंटीमीटर बॉटम इज द ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हाइट इज़ द ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है अब आपने अब इसका समरी ध्यान से सुन लीजिए अगर आपको समरी क्लियर हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी, भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज फॉर हाई वर्केबिलिटी टू वेरी हाई वर्केबिलिटी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इसमें जो मोल्ड होता है जो फ्रस्टम कॉन होता है उसकी डायमेंशनस टॉप 17 सेंटीमीटर बॉटम 25 सेंटीमीटर हाइट इज द 12 सेंटीमीटर होता है सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आप टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं वो किस किस हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो होता है हमारे पास 12.5 पॉइंट mm फाइव से करते हैं कितने टाइम्स इसको ड्रॉप करते हैं रेज या ड्रॉप करते हैं फिफ्टीन टाइम्स करते हैं कितने टाइम में करते हैं फिफ्टीन सेकेंड में करते हैं और जो फ्लो का टेस्ट होता है फ्लो का जो वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है स्प्रेड डाया इन सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड होता है प्लीज़ आपने ध्यान देना है ये वैल्यू किसके ज़्यादा होनी चाहिए वन फिफ्टी ज़ीरो से वन फिफ्टी परसेंट के बीच में ये हमारे को वैल्यू मिलता है तो कोड का जितना भी डाटा है डीएसट्रेंस मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे आप इसको पॉज करके क्या कर सकते हैं इसे अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं फ्लो टेबल टेस्ट यहाँ पे हमने वही दिया था स्प्रेड ऑफ कंक्रीट कॉन्क्रीटर इन द कंक्रीट इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द कॉन इस टेकन एज मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट कभी कभी हमसे वर्केबिलिटी ना देकर के कंसिस्टेंसी लिखा होता है ध्यान से समझना कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट बट ध्यान देना कि वहां पर वर्केबिलिटी लिखा नहीं होना चाहिए अगर चार ऑप्शन में वर्केबिलिटी नहीं है तो उस केस में आप कंसिस्टेंसी पे भी क्या कर सकते हैं टिक कर सकते हैं अब आप कहेंगे सर कंसिस्टेंसी तो विकट ऑपरेटर्स कैसे करें डीएसटेंस वो सीमेंट का था हम लोग किसका नहीं कर रहे हैं हम कॉन्क्रीट का नहीं कर रहे हैं कि कॉन्क्रीट की कंसिस्टेंसी हम लोग नहीं फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द विकट ऑपरेटर्स बाय हेल्प ऑफ विकट ऑपरेटस विकट ऑपरेटर्स हम लोग सीमेंट की कंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं ये बात ध्यान देना आप

कि जो कितने किस हाइट से टेबल को ड्रॉप करते हैं 12.5 पॉइंट mm फाइव हाइट से ड्रॉप करते हैं कितने टाइम्स करते हैं 15 टाइम्स करते हैं कितने टाइम में करते हैं 15 सेकंड में करते हैं लास्ट आपने इस टेस्ट को याद रखना है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था डेस्टों अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको फ्लो टेबल टेस्ट बिल्कुल क्या आ जाएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने याद रखना है द वर्बिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड जो भी आप बर्क्यूविटी ऑफ कॉन्क्रीट फाइंड करते हैं स्लम की उसकी यूनिट क्या होती है एमएम में होती है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये डायरेक्ट ऐसे डाटा हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं पीछे प्रीवियस एग्जाम्स में तो वहां से हमने इन डाटा को आपके लिए लिखा है इन केस ऑफ कॉन्क्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय पंपिंग मतलब पंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कॉन्क्रीट को जब हमारे पास हाई स्टोरी बिल्डिंग होती है तो उस केस में हम लोग कन्वेयर बेल्ट या मतलब क्या होती है हमारे पास कन्वेयर बेल्ट टाइप में रहता है या फिर हम लोग दूसरा क्या करते हैं बाय हेल्प ऑफ पंप क्या करते हैं कॉन्क्रीट को बॉट मतलब क्या ग्राउंड से एक हाई स्टोरी बिल्डिंग पर लेकर के जाते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि उसमें वर्केबिलिटी जो उसमें स्लम वैल्यू होती है वो क्या होती है इन केस ऑफ कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय पंपिंग द स्लम शुड बी बिटवीन कितना होना चाहिए डिस्टेंस 75 फाइव एम एम टू हंड्रेड एम एम के बीच में होना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है फोर एन आर सी सी ठीक है ना फोर एन आर सी सी स्लेब द स्लम ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी फिफ्टी टू वन ट्वेंटी फाइव एम एम में होना चाहिए नेक्स्ट है द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय बेल्ट कन्वेयर अगर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे जो स्लम वैल्यू होना चाहिए वो कितना चाहिए फिफ्टी एम एम टू सेवेंटी फाइव एम एम के बीच में होना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टेंट्स फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट फेस विल बी डिफिकल्ट वेन द स्लम एक्सीड फिफ्टी एम एन फिनिशिंग में क्या होता है प्रॉब्लम होता है ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके हमने सोल्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए किसी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपसे ओके तो ये हमारे को पॉइंट्स ध्यान देने थे नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास यह क्वेश्चन वर्केबिलिटी का यहाँ से क्वेश्चन बनता है वर्केबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ध्यान समझना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वर्केबिलिटी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं जैसा yes नो no? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वाटर कंटेंट फर्स्ट क्या डिएस्टेंस वाटर कंटेंट अगर आप वाटर कंटेंट को क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी भी क्या होगी बताइए वर्केबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी क्या होगा डिएसटेंस वर्केबिलिटी भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा बट आपने ध्यान देना है कि वाटर सीमेंट रेशियो को हमने एक सर्टेन परसेंटेज तक ही हम लोग क्या करते हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं अदरवाइज क्या होगा कंक्रीट में वाटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वर्कबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बट वहाँ पे सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स होंगी और जो स्ट्रेंथ को क्या करेंगे अफेक्टेड करेंगी तो ध्यान देना है वाटर वर्कबिलिटी इज डकली प्रोपोर्शन टू वाटर सीमेंट रेशियो बट स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाटर सीमेंट रेशियो होता है जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा स्ट्रेंथ उतना उतना उसका उतना ही क्या होता है? कम होता है okay? देख रहे हैं, का मतलब है कि कौन सा हमारे पास एग्रीगेट है राउंडेड एग्रीगेट है क्यूबिकल एग्रीगेट है एंगुलर एग्रीगेट है फ्लैकी एग्रीगेट है या फिर इलांगनेटेड एग्रीगेट है ध्यान देना राउंडेड एग्रीगेट और क्यूबिकल एग्रीगेट की वर्केबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एंगुलर फ्लेकी एंड एलोंगनेटेड एग्रीगेट से क्लियर हुआ गया पॉइंट ध्यान देना कि जो राउंडेड एग्रीगेट होता है राउंडेड एग्रीगेट और क्यूबिकल एग्रीगेट की जो वर्केबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू एंगुलर फ्लैकी एंड एलोंगनेटेड एग्रीगेट से क्लियर हो गया पॉइंट अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको थोड़ा वेट कीजिए मैं बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों होता है पहले हम लोग फैक्टर देख रहे हैं फिर इनको एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजेंस ऑफ द मिक्सचर क्या डिस्ट्रेंस सॉरी oh, थोड़ा सा अभी उसमें रह गया एक पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग ग्रेडिंग का मतलब होता है वेल ग्रेडिंग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट और एक होता है हमारे पास पुअर ग्रेडेड एग्रीगेट्स वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब होता है जहाँ पे वॉइड रेशियो का क्या होना कम होना वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स का ये भी मीनिंग होता है कि उस प्रोपोर्शन में उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमारे को डिफरेंट साइज के क्या हैं एग्रीगेट्स हैं जो वॉइड्स को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू पुअर ग्रेडेड पुअर का मतलब क्या होता है एक साइज के एग्रीगेट्स का होना यस सर न तो उसको हम लोग क्या होते हैं पुअर एग्रीगेट्स बोलते हैं नेक्स्ट है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो तो ये पॉइंट आपने यहां पे ध्यान देना है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने पे क्या होती है वर्केबिलिटी क्या होता है डिक्रीज होता है अब इसके पीछे रीजन क्या है रीजन ये स्टूडेंट अगर आप सीमेंट को क्या रखते हैं कॉन्स्टेंट रखते हैं एग्रीगेट को क्या कर देंगे ज्यादा कर देंगे तो वहां पे जो सीमेंट पेस्ट होता है वो एग्रीगेट्स के लिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो वहाँ पे लुब्रिकेशन इफेक्ट जो होता है जिसके कारण मोबिलिटी होती है मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर कम हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा वर्केबिलिटी कम हो जाएगी तो इसलिए माइडिए आपने याद रखना है वाटर सीमेंट रेशियो इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी बट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वर्केबिलिटी र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूं आपको वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी बट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वर्केबिलिटी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एडमिक्सर प्रिजेंस ऑफ एडमिक्स का मतलब क्या होता है डी एसटेंस प्रिजेंस ऑफ एडमिक्सर का मतलब होता है एडमिक्सर का काम क्या होता है मैंने आपको बताया था कॉन्क्रीट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट अब लाइक लाइम फाइन एग्रीगेट लाइक सेंड कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर जनरली हम लोग अपने इंडिया में इसी को यूज़ करते हैं बट कनाडा एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज में जो हमारे पास क्या होता है एयर इंड्रेनिंग एजेंट एज ए फिफ्थ इनग्रीडियट ऑफ कॉन्क्रीट बट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं बट मैंने आपको ऐसे एडमिक्शर्स के बारे में ऑलरेडी पहले से समझाया था जब हमने स्टार्टिंग किया था एडमिक्चर्स आप टू टाइप केमिकल एडमिक्सचर्स एंड मिनरल एडमिक्सचर्स मैंने वहाँ पे आपको मिनरल एडमिक्सर्स तो बताए थे बट केमिकल एडमिक्शर्स नहीं बताए थे जिसमें एक्सलेटर रिटार्डर इंट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं हमारा काम क्या होता है इन जो भी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एडमिक्सचर्स में अगर आप देखना चाहते हैं प्लास्टिसाइजर्स प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं वाटर सीमेंट वाटर का कंटेंट को कम करते हुए वर्केबिलिटी को क्या करके रखते हैं सेम मेंटेन करके रखते हैं या आप एयर इंट्रेनिंग एजेंट की बात करना चाहते हैं तो उस केस में भी क्या होता है वर्केबिलिटी को क्या करते हैं इन्हेंस करते हैं मीन्स जो एडमिक्चर्स हैं इनका मोटो स्ट्रेंथ से नहीं होता है इनका मोटो वर्केबिलिटी से होता है कि इसकी वर्केबिलिटी को क्या करने के लिए इंप्रूव करने के लिए जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं मिक्सचर्स को ऐड कर रहे होते हैं अगर आप केमिकल एडमिक्सचर्स की बात करेंगे अब हर किसी का अपना अपना इफेक्ट तो होता ही है परंतु मेनली जो होता है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग एडमिक्सचर्स यूज नहीं कर रहे हैं या तो सेटिंग टाइम को कम करने के लिए या सेटिंग टाइम को ज़्यादा करने के लिए ओवरऑल आ तो उसमें क्या रही है वर्केबिलिटी ही रही है ओके तो ये हमारे पास होता है प्रेजेंस ऑफ एडमिक्सर्स का भी क्या होता है रोल होता है ये हमेशा क्या करते हैं वर्केबिलिटी को इनहेंस करते हैं नेक्स्ट हमारे है पास फाइनेंस ऑफ सीमेंट अगर फाइनेंस ऑफ सीमेंट क्या करेगा बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी हमारे पास क्या होगी कम होगी वर्केबिलिटी क्या होगी कम होगी अगर आप एक जगह पे ओपीसी सीमेंट को यूज करते हैं और एक जगह पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी सीमेंट बताओ कितना होता है मैंने आपको ऑलरेडी सीमेंट वाले टॉपिक्स में पढ़ाए हुए ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी मतलब दो हज़ार दो सौ पचास सेंटीमीटर स्का पर ग्राम बट इन केस ऑफ आर आर एच सी में जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना होता है बत्तीस सौ पचास अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा बोलिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ने पे वर्केबिलिटी क्या होती है कम होती है तो इसलिए आपने ध्यान देना है नेक्स्ट है टाइम एंड टेम्परेचर अगर बताइए वर्केबिलिटी टाइम का मतलब होता है कि साइट जिस साइट पे आ, हमारा प्लांट मिक्सर है ठीक है जो प्लांट मिक्सर है और वहाँ से आप अप, अपनी साइट पे लेकर के जा रहे हैं एग्री अग, उसको कंक्रीट को अगर वो टाइम ज़्यादा लगेगा कहाँ से प्लांट से साइट तक पहुँचाने में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वर्किबिलिटी क्या होगी डाउन मतलब क्या होगी वीक होगी इसका कहने का मतलब ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अगर जो आपने प्रॉपर टाइम दिया है अगर उसमें पहुंचता है वेल एंड गुड अदरवाइज अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो उस केस में क्या होता है वर्केबिलिटी क्या करती है डिक्रीज करती है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्कबिलिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होता है टाइम इंक्रीज वर्कबिलिटी डिक्रीजेस ये सो नो और अगर आपसे पूछे कोई क्या वर्कविटी टाइम पर डिपेंड करता है यस वर्कविटी डिपेंड्स ऑन टाइम आल्सो ठीक है ना नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर अब आप बताइए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वर्किविटी क्या होगी कम होगी रीज़न क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो कंक्रीट में आपने वाटर ऐड किया है वो वाटर तो क्या कर जाएगा एवेपोरेट कर जाएगा वाटर का एवेपोरेसन होना वाटर का कम होना क्या करेगा वर्किविटी को अफेक्ट करेगा और उसको रिड्यूस करेगा क्लियर पॉइंट हो गया डिस्टेंस ओके नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्किविटी क्या करती है बढ़ती है मैं यहीं पर आपको लिख देता रहा हूँ स्ट्रेंथ क्या होती है स्ट्रेंथ हमारे पास कम होता है स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्किविटी क्या होती है डिक्रीज होती है नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अब हम लोग तो कुछ और चीजों को समझना चाह रहे हैं जो हमारे पास वर्किविटी से रिलेटेड है साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अगर आपके पास दो एग्रीगेट्स है एक फाइन एग्रीगेट्स है एक कोर्स एग्रीगेट है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अगर आप सेंड कंटेंट्स को बढ़ाते हैं तो वर्किविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है फाइनर पार्टिकल्स को बढ़ाने के साथ साथ में वर्किविटी क्या होती है डाउन होती है रीजन क्या है कि देखिए फाइनर पार्टिकल जो होता है अगर आप एक सर्टन वॉल्यूम लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये वॉल्यूम है सेम और सेम वॉल्यूम हम लोग यहां पर रख रहे हैं ठीक है ये वॉल्यूम मान लेते हैं ये भी वी है और ये भी हमारे पास सेम वॉल्यूम है आपने क्या किया जो एग्रीगेट्स है जो एग्रीगेट्स आपने ऑलरेडी यूज़ किए ध्यान देना सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट कॉन्क्रीट में ओनली एग्रीगेट्स होते हैं एग्रीगेट्स मींस फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट अब आपने क्या किया सेम एग्रीगेट को मेंटेन करके मतलब आपने एग्रीगेट के परसेंटेज को नहीं बढ़ाना है आपने क्या करना है कि कोर्स एग्रीगेट की जगह पे फाइन एग्रीगेट को बढ़ा दिया मींस आपने कोर्स एग्रीगेट कम लिया फाइन एग्रीगेट ज़्यादा ले लिया एक केस तो ये हुआ दूसरा केस में आप क्या कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट को कम कर दिए कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा ले लिया अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोर्स एग्रीगेट का साइज़ बढ़ाने से या उसका क्वान्टिटी बढ़ाने से वर्कीबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना जो हमारे पास फाइनर पार्टिकल्स होते हैं उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है ज़्यादा होता है मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ जैसे ओ सीमेंट का क्या होता है बाईस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है अगर वहीं पे आप किसकी बात देखना चाहते हैं रैपिड हार्डिंग सीमेंट के देखना चाहते हैं तो उसका 3250 होता है रीज़न क्या होता है कि वो उससे फाइन होता है जो फाइनेस होता है मतलब उसको और बारीक पीसा जाता है किसको रैपिड हार्निंग सीमेंट को मेरा कहने का मतलब है कि अगर पार्टिकल का साइज कम होता जाएगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता जाएगा ज़्यादा होता जाएगा कि सर थोड़ा सा और समझाइए डिटेल में ओके समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एक ग्राम सीमेंट को क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं तो आप एक एक पार्टिकल का सरफेस एरिया को ऐड करिए तो आप देखेंगे कि उसका जो सरफेस एरिया आता है वो जैसे जैसे उसको फाइनल करते जाएंगे उसी रेशियो में वो क्या करता चला जाता है बढ़ता हुआ चला जाता है अब देखिए ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा सीमेंट पेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसको कवर अप करने के लिए उसको लुब्रिकेंट करने के लिए उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा हमारे को सीमेंट पेस्ट चाहिएगा तो यही रीजन होता है कि जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसकी वर्किविटी क्या होगी ज्यादा होगी तो बताइए कोर्स एग्रीगेट की वर्किविटी ज्यादा होगी फाइन एग्रीगेट की वर्किविटी ज़्यादा होगी कोर्स एग्रीगेट की वर्किविटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू तो फाइन एग्रीगेट तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वहां पे यही क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोर्स एग्रीगेट को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो वर्किबिलिटी हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंड को बढ़ाने से वर्किविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है सेंड का कंटेंट बढ़ाने से वर्किबिलिटी क्या होती है डी स्ट्रेंथ कम होती है अगर आप कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वहां पर वर्किबिटी क्या करती है बढ़ती है एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन आते हैं कि सीमेंट बढ़ाने से सीमेंट बढ़ाने से वर्किबिटी बढ़ती है सीमेंट बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ती है अब आप कहेंगे सर सीमेंट भी तो फाइनर है सैन से नहीं डेस्ट एक्चुअल में जो उसको पेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है वो तो सीमेंट है जो फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है उसको जो पेस्ट कर रहा है जो पेस्ट उसको चारों तरफ आ रहा है जो उसको बाइंड करके रख रहा है जो लुब्रिकेट कराने में हेल्प कर रहा है वो कौन है वो तो वाटर सीमेंट रेशियो है तो सीमेंट कंटेंट बढ़ाने से भी वर्केबिलिटी बढ़ती है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से भी वर्केबिलिटी बढ़ती है फाइन एग्रीगेट के कम करने से वर्कविटी बढ़ती है कोर्स एग्रीगेट के बढ़ाने से क्या होती है वर्किविलिटी बढ़ती है ठीक है ना ओके साइज ऑफ एग्रीगेट्स बढ़ाने से वर्कविटी क्या करती है इंक्रीज करती है रीजन क्या हो गया रिड्यूस स्पेसिफिक सरफेस एरिया और लेस फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ओके नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस स्ट्रक्चर क्या सरफेस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि उसका सरफेस कैसा है एक डियर स्टेंस स्मूथ सरफेस है और एक हमारे पास रफ़ सरफेस है हम लोगों ने इस चीज़ को पाया है कि जब आप रफ़ ट्रैक्चर जो होता है एग्रीगेट्स का अगर उसका सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं और एक स्मूथ वाले पार्टिकल के एरिया को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो जो रफ़ ट्रैक्चर एग्रीगेट्स होते हैं उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है कंपेजन टू स्मूथ एग्रीगेट्स तो बताइए जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा वर्किविटी कम होगा तो कहने का मतलब यहां पे यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रफ टेक्सर्ड एग्रीगेट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ ऑफ द स्मूथ राउंडेड सेम वॉल्यूम इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मूथ राउंडेड पार्टिकल्स होंगे उसके कारण वर्किविटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी रफ टेक्चर्स के कारण वर्किविटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी ओके नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स ये तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया इस पॉइंट को दोबारा मत लिखिएगा नेक्स्ट ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विल बी रिड्यूस रीजन स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है ज्यादा हो गया किसके कंपेरिजन में ओपीसी के के केस में ऑर्डिनरी इन्हें सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो बाईसो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है बट जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है बत्तीस तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाने से वर्किविटी क्या होगी कम होगी तो आप कह सकते हैं वर्कविटी इज इनवर्सली परसन टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ओके तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट क्लियर हो गया नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सीमेंट कंटेंट बढ़ाने से क्या हो रहा है डी एस्टेंस वर्किविटी बढ़ेगी क्यों वर्किविटी बढ़ेगी क्योंकि ये क्या करता है ज़्यादा पेस्ट प्रोवाइड करता है ज़्यादा वहाँ पे लुब्रिकेंट की तरह क्या करता है बिहेव करता है ओके okay? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने से ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स ग्रेडिंग ऑफ़ एग्रीगेट्स का मतलब क्या डिएस्टेंट्स ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे वेल ग्रेडेड कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वॉइड्स का क्या होना कम होना क्या होना डिएस्टेंट्स वॉइड्स का कम होना वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स को रिप्रेजेंट करता है अगर हमारे पास वॉइड्स कम होंगे तो वहाँ पे सीमेंट पेस्ट की कम ज़रूरत पड़ेगी ये सर नो अगर वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो सीमेंट पेस्ट की क्या होगी ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर आपसे मैं ये पुत, ये मतलब जानना चाहता हूँ कि बताइए अगर आप एक सेम वॉल्यूम में एक में आपने राउंडेड एग्रीगेट्स को फिल किया एक में आपने एंगुलर पार्टिकल्स को फिल किया तो जो वॉइड्स रेशियो है वो किस में ज़्यादा होता है बताइए किस में ज़्यादा होता है वॉइड रेशियो ध्यान देना जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो वॉइड्स होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू राउंडेड एग्रीगेट्स अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास वर्केबिलिटी किस टाइप के एग्रीगेट्स की ज़्यादा होती है आ, मतलब कि राउंडेड है और एंगुलर है फ्लैकी है एलोमिनेटेड है क्यूबिकल है तो आपने ध्यान देना वर्केबिलिटी राउंडेड और क्यूबिकल की क्या होती है ज़्यादा होती है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेंथ से तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है बताइए स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा किसकी होती है वो एंगुलर पार्टिकल्स की होती है किसकी होती है डी स्ट्रेंथ एंगुलर पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है इसलिए पेमेंट में जनरली हम लोग राउंडेड एग्रीगेट्स का यूज नहीं करते पेमेंट्स में हम लोग जनरली एंगुलर पार्टिकल्स का यूज करते हैं क्योंकि जब स्ट्रेंथ की बात होगी तो वहां पे एंगुलर पार्टिकल्स के बिटवीन होता है क्योंकि वहां पे पार्टिकल एक दूसरे में क्या करता है अच्छे से फंस जाता है और वहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा रहता है दैट्स पे स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा होती है परंतु अगर आप वर्केबिलिटी की बात करेंगे तो वो किसकी ज्यादा होती है राउंडेड एग्रीगेट्स की होती है वर्केबिलिटी किसकी ज्यादा होगी गई स्ट्रेंथ राउंडेड राउंडेड एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है राउंडेड एग्रीगेट्स की वर्कबलिटी ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है एंगुलर पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर एक परसेंट वर्ड्स या एक परसेंट उसमें कॉन्क्रीट में वर्ड्स रह जाते हैं तो स्ट्रेंथ कितने परसेंट से डिक्रीज करती है तो ध्यान देना एक परसेंट वर्इ्स के कारण जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइव परसेंट से डिक्रीज करती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फाइव परसेंट अगर वर्ड्स है तो स्ट्रेंथ कितने से डिक्रीज़ कर जाएगी तो डी स्टूडेंट टूट ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिक्रीज़ कर जाएगी ठीक है ना तो इसलिए आपने क्या रखना है याद रखना है इन चीज़ों को कि जो भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं होने वाला है नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्या जाएगा क्लियर हो जाएगा ओके थैंक यू